आइए दोस्तों, एक और नई कहानी आपके लिए लाया हूं जो आपको जरूर रोमांचित कर देगी, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। आइए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की रहस्यमय कहानी। डाकाक्सोवा। शीर्षक, मोक्ष की अनकही गाथा। पुराने समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन में ध्यान कर रहे थे। अचानक एक किसान भागते हुए उनके पास आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। भगवान, मेरी मदद करें, मेरे खेत से हर रात एक रहस्यमय आवाज आती है और मेरी फसल बर्बाद हो रही है। बुद्ध ने उसकी बात सुनी और शांतिपूर्वक पूछा, क्या तुमने उस स्थान को देखा है? किसान ने उत्तर दिया, नहीं, वह जगह शापित लगती है। मेरे पुरखे कहते हैं कि वहां कोई राक्षसी शक्ति निवास करती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को साथ लिया और किसान के खेत की ओर चल दिए। रात होने पर उन्होंने खेत में डेरा डाला। चारों ओर सन्नाटा था, परंतु मध्य रात्रि के समय एक अजीब सी गूंजने वाली आवाज सुनाई दी। आवाज मानो किसी अदृश्य प्राणी की थी। बुद्ध ने आंखें बंद की और ध्यान लगाया। वरासर, रहस्यमय घटना सुबह होने पर खेत में एक अजीब चिन्ह दिखाई दिया। बुद्ध ने किसान से पूछा, यह चिन्ह क्या दर्शाता है? किसान ने कहा, यह मेरे पूर्वजों का चिन्ह है। कहते हैं जब यह चिन्ह प्रकट होता है तो कोई बड़ी विपत्ति आने वाली होती है। बुद्ध ने उस चिन्ह को ध्यान से देखा और बोले, यह चिन्ह कोई बुरी शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों का संदेश है। हमें इसे समझने के लिए गहराई में जाना होगा। नक्लाड्राड्र। प्राचीन रहस्य की खोज। बुद्ध और उनके शिष्य खेत के पास स्थित एक प्राचीन गुफा में गए। वहां उन्होंने दीवारों पर अंकित कुछ चित्र देखे जो मानव और राक्षसों के युद्ध को दर्शा रहे थे। उन चित्रों में एक रहस्यमय दरवाजे का भी उल्लेख था। यह दरवाजा हमें सत्य तक ले जाएगा, बुद्ध ने कहा। गुफा के अंदर चलते हुए उन्होंने वह दरवाजा खोजा। दरवाजा खोलने पर उन्हें एक सुनहरी किताब मिली। किताब पर लिखा था, जो इस सत्य को समझेगा वही मोक्ष का अधिकारी होगा। दिलनो, अंतिम सत्य का रहस्य बुद्ध ने ध्यान लगाकर उस किताब को पढ़ा। उसमें लिखा था कि यह संसार एक भ्रम है और सच्चा मोक्ष केवल अपने भीतर झांकने से प्राप्त होता है। परंतु साथ ही यह भी चेतावनी थी कि यदि कोई इस किताब को गलत इरादों से पढ़ेगा तो उसे भयंकर दंड मिलेगा। बुद्ध ने उस किताब को किसान को समझाया। किसान को एहसास हुआ कि उसकी भयभीत मनोस्थिति ही उसकी समस्या की जड़ थी। उसने अपने मन को शांत किया और अपनी सोच को बदला। वासु। अप्रत्याशित मोड़। जब सब लोग गुफा से बाहर आ रहे थे तभी गुफा में एक हलचल होने लगी। बुद्ध ने तुरंत अपने शिष्यों को गुफा छोड़ने का आदेश दिया। गुफा ध्वस्त हो गई, परंतु अंतिम क्षणों में एक रहस्यमय प्रकाश बुद्ध के चारों ओर प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक आवाज आई, तुमने सत्य का मार्ग चुना है। यह किताब अब तुम्हारी आत्मा में समाहित हो गई है। इसे कभी कोई और प्राप्त नहीं कर सकेगा। धम्मका। निष्कर्ष। बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों से बोले, जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। यदि हम अपने भय पर विजय पा लें तो कोई भी रहस्य हमें डरा नहीं सकता। इस घटना के बाद वह किसान बुद्ध का शिष्य बन गया और सत्य की खोज में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस कहानी में रहस्य, रोमांच और आत्मा की गहराई का समावेश है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगा। तो इसी के साथ कहानी खत्म हुई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।